जो डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करता हूँ, पुराने चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ जो हमने पहले जो स्टार्ट पढ़ाए किए थे। ये तो हो गया था, समझ में आ गया था, लेट। चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो गैप थ्योरी के बारे में देख लिया था, जो स्टॉपिंग वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स जो भी जितने भी है सब कुछ देख लिया था हमने। गैप थ्योरी में हमने देखा कि वे आउटसाइड गैप होगा तो किस टाइप के आपको ट्रेड करनी है, ट्रेड कैसे लेने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। इनसाइड अगर गैप है तो गैप अप गैप डाउन जो भी होगा उसके हिसाब से किस तरह प्लानिंग करनी है हमने वो देख। ठीक है, और एंट्री के टाइप आपको बताया था पहले, 3 टाइप की एंट्री बताया था। एक बताया था मैंने ब्रेकआउट एंट्री होती है, एक होती है अपनी पुल बैक एंट्री और एक होती है रिवर्सल एंट्री। ठीक है, अब अपने रिवर्सल एंट्री के अंदर किस कौन कौन सी एंट्री की बात कर रहे थे अपन? सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स, राइट? स्टॉपिंग वॉल्यूम वाला जो सर केसेस है वो भी रिवर्सल में आता है, यानी प्राइस रिवर्सल ले रहा है। ब्रेकआउट में किस में आता है, ब्रेकआउट किस में आएगा? ब्रेकआउट एंट्री जो अपन बात कर रहे थे ब्रेकआउट एंट्री की, ब्रेकआउट एंट्री आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड गैप हुआ, आउटसाइड गैप होने के बाद अपने ओपनिंग रेंज बनाया उसने, उस ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दिया, या अपने ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट एंट्री होगी। या तो ओपनिंग रेंज बनाया उसने, पुल बैक दिया उसने, प्राइस करेक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये भी ब्रेकआउट एंट्री होगी अपनी। या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा, जैसे आपको उस दिन बताया था ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर वो तो टाइम बिता रहा है, रेंज बना रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ये भी ब्रेकआउट एंट्री है। एक और बताया था कि मैंने उसको डायरेक्टली ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को मोमेंटम के साथ, उसके बाद वहां पर टेस्टिंग करेगा, ये भी अपने ब्रेकआउट एंट्री है ना? ये सारे ब्रेकआउट एंट्री में आते हैं, चाहे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो या अपने किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है, ये सारे के सारे ब्रेकआउट एंट्री है। और पुल बैक क्या है, उसी ओपनिंग रेंज में फॉर एग्जाम्पल ऊपर जा रहा था और उसके बाद ये नीचे आ रहा था, और आने के बाद यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट पे मुझे अगर एंट्री मिलती है तो यहाँ पर मैं पुल बैक एंट्री लेता हूँ। ये अपने 3 टाइप के एंट्री। अब मुझे बताइए कौन बताएगा कि पुल बैक एंट्री में कब लूंगा? सपोज यहाँ पर ये वाला सिचुएशन बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये वाला सिचुएशन बन रहा है, इस सिचुएशन में मैं पुल बैक एंट्री यानी प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस जो है अप ट्रेंड है। अब मुझे ये चीज बताइए, मार्केट ओपन होते ही ऊपर जा रहा है, मुझे एंट्री कब लेनी है, मुझे किस टाइप के एंट्री के लिए वेट करना है? मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही 2-3 दिन के लिए इस तरह बनती जा रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है प्राइस, मुझे एंट्री कब लेनी है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। यहाँ पे दो केस बन सकता है एंट्री का। सर बताइए। पहला कि रिट्रेसमेंट में सर कितना परसेंट हो रहा है, अगर 50% होगा और कोई बुलिश साउंड नीचे मिलता है तो सर हम नीचे ही ले लेंगे, पहले स्प्रिंग फिफ्टी वगैरह परसेंट आ मिलेगा। गया, पहले 50% आ गया, या पहले अपना नो ओपनिंग रेंज? नो ओपनिंग रेंज सर, अब हम सर नीचे का बात कर रहे थे, आप बोले नहीं कि कहाँ पे एंट्री नहीं ले। मैं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, जिससे दिखाया ओपन होकर ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपके जो पहले जो एंट्री आपके जो क्राइटेरिया है, यानी जब जब मार्केट के साथ साथ चलोगे ना, तो मार्केट ओपन हो गया, दो कैंडल बन गई है, ग्रीन कैंडल बन गई है, उसके बाद मैं वेट करूंगा। ठीक है, अब ये दो जो ग्रीन कैंडल बनती है क्या इसके मोमेंटम सही है, यस सर, वो देखना पड़ेगा। मोमेंटम अगर सही है, आउटसाइड गैप भी है, या हो सकता है कि प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे का हाई को कुछ भी किया, यानी जो अपसाइड हुआ मोमेंटम हाई है, वॉल्यूम भी सही है, आउटसाइड गैप है, या तो इनसाइड गैप होके वो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया, कुछ भी किया, आप क्या है इस आप साइड में अगर मोमेंटम हाई है तभी तो मैं बाई की तरफ सोचूंगा। यस सर, सबको क्लियर है? यस सर, यानी बाई, मैं क्या बताया था, बाई करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी क्राइटेरिया तो यही है कि मोमेंटम चेक करिए आप। सबसे पहले मोमेंटम देखा, मोमेंटम सही है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, हो सकता है कि वो आउटसाइड गैप हो इनसाइड गैप हो। अब मैं यहां पर जो मेरा व्यू है वो क्या होगा, ट्रेंड आप मोमेंटम आप, तो मेरे व्यू यहां पर किसके,
बाई बाई के बाई होंगे। सर, हम बाई कब करूंगा, बाई कब करूंगा मैं, जैसे रिट्रेसमेंट के कहते बाद। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। दिक्कत यह है कि लाइव मार्केट में इसलिए कंफ्यूज रहते हो कब क्या करना है, क्योंकि आप स्टेप नहीं जाते, आप बिजनेस में घुस जाते हो। स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला क्या है, मोमेंटम। आप मेरे को व्यू देखना है बाई का, बाई में कब करूंगा, जब वो रिट्रेसमेंट देगा। वो रिट्रेसमेंट आपके टाइम करेक्शन भी हो सकता है, वो रिट्रेसमेंट आपके प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। अगर टाइम करेक्शन रिट्रेसमेंट दे दिया, दैट मीन्स ओपनिंग रेंज बन चुका है। अगर टाइम करेक्शन दे दिया कुछ इस तरह, दैट मीन्स ओपनिंग रेंज बना दिया उसने, तो मैं उस ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा। यहां पर दो कैंडल बन सकती है, तीन कैंडल बन सकती है, कोई बात नहीं, मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा। ये अगर टाइम करेक्शन नहीं हो रहा है, ओपनिंग रेंज के बाद ये प्राइस करेक्शन हो रहा है, तब जाके मैं अपने वो केस लगाऊंगा कि भाई ये यहां से मूवमेंट दिया और एटलीस्ट 50% तक आया, और आने के बाद यहां पर बुलिश कुछ दिखता है, तब मैं यहां पर पुल बैक वगैरह लूंगा। लेकिन ये बाद में आएगा ना, यस सर, ये तो बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा, पहले तो अपना यही आएगा। या तो यस सर, आपको ओपनिंग बिल्कुल रेंज पे एंट्री मिलेगी, ओपनिंग रेंज में एंट्री नहीं मिलती, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं मिलती आपको, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, वेट करिए, पुल बैक दे रहा है, पुल बैक पे वेट करिए। इस पुल बैक में आपको यहाँ के मोमेंटम चेक करने पड़ेंगे, यहाँ के मोमेंटम को चेक करने पड़ेंगे इस जोन के रिट्रेसमेंट का। मोमेंटम कम है, वॉल्यूम कम है, उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई मुझे मिलता है एंट्री में यहाँ पर लूंगा, वो मेरी पुल बैक एंट्री होगी, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे अगेन में एंट्री लूंगा। यही तो है, और कुछ कुछ है क्या? नो यस सर, सबको क्लियर है? इनके अलावा यस कुछ और है सर, क्या, इन तीन पॉइंट के अलावा? नो सर, बाकी से पूछ रहे हो, और कोई है क्या, कोई रास्ता हो या कोई और कोई दूसरा तरीका है, ऐसा तो कुछ है क्या? और यही है और कुछ नहीं है। तो आपको अगर ये तीनों केस मिलते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, आपको अगर एंट्री नहीं मिलती इन तीनों केस में, तो फिर आप जबरदस्ती एंट्री क्यों करोगे, आपको एंट्री करनी ही नहीं है, वेट करो आप। ये तीनों केस आपको मिलते हैं तभी आप एंट्री करो, अदरवाइज वेट करो। अगर मिलते हैं तो ही एंट्री करना, अदरवाइज वेट करो। चलो मान के चलो एंट्री मिल गई, आपने एंट्री ब्रेकआउट पे लिया था, या तो आपने पुल बैक पे लिया, या पुल बैक के बाद जब ब्रेकआउट दे उस पर लिया, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं ले पाया एंट्री, या आपको मार्केट ने मौका नहीं दिया, या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आप लेट हो चुके थे, कुछ भी हो गया, एंट्री नहीं ले पाए, तो नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, उसमें क्या करे? इसका मतलब थोड़ी है कि जान दे दे या जबरदस्त कूद जाए मार्केट में, नहीं। एंट्री नहीं ले पाए कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, मार्केट को ऊपर जाएगा। आपने यहां पर एंट्री मिस कर दी है, आपने यहां पर भी एंट्री मिस कर दी, कोई बात नहीं, वेट करो, क्या दिक्कत है, वेट करो, मार्केट है, देखे। अगर मोमेंटम सही है, अगर सेकेंड टाइम जो ऊपर जा रहा था, अगर मोमेंटम सही है, तो अगेन पुल बैक के लिए वेट करिए, तब जाके आप अगेन आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप सेकेंड टाइम में मोमेंटम कम निकल गया, तो आप सोच लो कि भैया मोमेंटम कम है, तो मेरा जो व्यू है वो किस साइड पे होंगे, चल आप चेंज हो गया, सही, आप चेंज हो गया, अब आपको चेंज करना पड़ेगा व्यू। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। डायरेक्ट आप ओपन करते हो चार्ट, ओपन करने के बाद तुरंत घुस जाते हो, हाँ मुझे कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, मारो एंट्री। पहले देखो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये आया कैसे इस रेजिस्टेंस तक, इसकी हिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप काम करना है। तो चलिए, तो मैंने जो अभी बताया था आपको, कहाँ गया, या तो आपको ऐसी एंट्री मिलेगी, यहां पर देखिए इसके वॉल्यूम कम होंगे, एंट्री यहां पे होगी आपकी, एसएल आपके इसके नीचे थोड़ा बफर देकर लगा लेना। हो सकता है कि यहाँ पर दो तीन कैंडल बने, रेंज बनाए, उसके बाद यहां पर एंट्री मिलेगी, फिर वही बात है, एसएल बफर देकर थोड़ा नीचे लगा देना। इन ये जो फेस है, इसमें से आपके इस फेस में वॉल्यूम आपके कम होना चाहिए, बस काम खत्म। ये है आपके ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट के बाद एंट्री, ये वाली हो या तो ये वाली, ये दोनों ओपनिंग रेंज के बाद एंट्री है, या जो अपना टाइम करेक्शन है, इसमें मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपके फिर वो प्राइस करेक्शन करते हुए नीचे आएगा, आएगा ना। अच्छा, अब जब नीचे यस आएगा सर, तो आपको ये शायद ये सिनेरियो मिल जाए, आपको ये सिनेरियो मिल जाए, यानी प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद इस तरह का करेक्शन देके नीचे आ रहा है। जब करेक्शन देके नीचे आ रहा है, तो देखिए यहां पर स्प्रेड कम हो रहे, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उसके बाद आप वेट करिए, कोई आउटसाइड कैंडल बनती है तो इसके ऊपर आप बाई करिए, और आप डोजी मिल जाए, नैरो कैंडल मिल जाए, अच्छी बात है। और ये केस भी आपको लोगों को डिस्कस किया था पहले, किया था कि नहीं किया था?
यस सर, यस सर, ये केस आपको जरूरी नहीं कि ओपनिंग रेंज में ही ढूंढना है। ये केस हो सकता है कि आपके मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे, सर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पर डब्ल्यू बटन का पहले बार बनाया था, और उसके बाद जो ये डब्ल्यू बटन का जो सेकंड फेज थे, सेकंड फेज में भी आपको ये केस देखने को मिल सकता है बिल्कुल यहाँ पर। फिर एंट्री लो आप, तो ये पुल बैक एंट्री, ये पुल बैक एंट्री के क्राइटेरिया है, पुल बैक एंट्री का टाइप है जो आपको समझाया था। दो टाइप की एंट्री होगी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज आपको बताया था सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद। एक पॉसिबिलिटी यह है कि मार्केट नीचे आ रहा है, मोमेंटम लो है, वॉल्यूम कम है, स्प्रेड भी कम हो रहा है, तो यहां पर आपको अगर बुलिश सिग्नल मिलती है तो आप इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। बट अगर मोमेंटम ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, और उसके बाद यहां पर बुलिश एनकल्फिंग कैंडल बनती है, तो इसके ऊपर बाई करना है क्या आपको? सिर्फ दोबारा नहीं रिटेस्ट सर, का वेट करना है। दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा और उसके बाद दोबारा नीचे आएगा। जब दोबारा नीचे आएगा तो कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए? ऐसे फॉर्मेशन है ना, स्प्रिंग बनना चाहिए। इस तरह लो मोमेंटम होनी चाहिए, तभी जाके मेरे को एंट्री मिलेगी। तो सारा तो काम हो गया, तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर है नहीं। अरे ये सारे चीज आपको दिखा भी दिया था। रिवर्सल पैटर्न के लिए जो है, जो बताए थे यहाँ पर सारी चीज लिखी हुई है। आप किसी सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स के लिए बनने का वेट करिए, या स्टॉपिंग वॉल्यूम बनने के लिए वेट करिए। मार्केट को बेस बनाएगा, मतलब इस तरह स्टॉपिंग वॉल्यूम बना के मार्केट में एक बेस बनाएगा या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, उसके वेट करिए। उसके बाद टेस्टिंग वगैरह देगा या कोई रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लीजिए। एग्जिट जो आपको करना है, प्राइस ले लिया आपने, एग्जिट करना है आपको, ऊपर की तरफ ओपनिंग रेंज मिलता है तो वहां पर एग्जिट करिए आप। ये तो आपके रिवर्सल के लिए है। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, जो भी चीज आ रही चीज है, वो सारे रिवर्सल के लिए हम एंट्री देते हैं, ठीक है। देखो आप, ये भी सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, ये बेस बनाया था उसने, ये रिवर्सल के लिए हो गया। ये पर देखिए, स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद उसने बेस बनाया था, फिर वहां से गिरा था, ये एक रिवर्सल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज दिखा दिया था आपको, फिर अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ब्रेकआउट पैटर्न पे आपको बता दिया था, ब्रेकआउट पे किस पे करने हैं, किस रेजिस्टेंस के पास वो ब्रेक जोन बना रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद कोई रेंज बनाता है, एक बेस बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो मैं डायरेक्ट बाई करूंगा, जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था। मोमेंटम के साथ आ रहा है और डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, उसके बाद टेस्ट करेगा, टेस्टिंग के बाद मैं एंट्री लूंगा, है ना। मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर टेस्टिंग नहीं किया, सीधा ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा करेक्शन का, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तब मैं एंट्री लूंगा। ये बताया था ना आप लोगों को। यस सर, तो ये है ब्रेकआउट के, बट ऐसे गलती मत करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया और मैं इमीडिएटली बाई करूंगा, नहीं, मुझे या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, या तो ये चाहिए, साथ में चाहिए मेरा मोमेंटम। अगर मोमेंटम ही नहीं है, इस तरह चल रहा है, तब तो मैं बाई की तरफ जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपने 4x4 रूल क्या कहता है, मोमेंटम लो है, ट्रेंड अप है, तो मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। या दो तरीके की एंट्री होगी। स्टेप जो है ट्रेड कैसे करने हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो भाई सेम चीज जैसे आपको पहले ही बताया था, 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम करके सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ कर लीजिए, और 5 मिनट टाइम फ्रेम करके आपको ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जो भी है, या 4x4 रूल जहां पे जो यूज करना है आप उसको यूज करिए, करके आप एंट्री वगैरह ले लीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे काम हो गए थे, आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है थ्रस्ट। तो आज मैं यहां से करता हूं थ्रस्ट एनालिसिस। ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक वगैरह भी आपने देख लिए, ओपनिंग रेंज का भी देख लिया हमने, किस तरह ट्रेड लेने हैं, गैप अप गैप डाउन सब में देख लिया, स्टॉपिंग वॉल्यूम रिवर्सल जो भी इतने भी है, सब सारे अपना हो गया। आज जो हम करेंगे थ्रस्ट एनालिसिस करेंगे। थ्रस्ट किसको बोलते हैं सुन लीजिए, उससे पहले मैं वेव एनालिसिस की बताता हूँ। वेव किसको बोलते हैं, मार्केट यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ऊपर जाने के बाद एक पीक लगाया उसने, एक हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, वेरी गुड, आया नीचे, ये मेरा एक पहला हाई है, नंबरिंग कर दिया 1 फर्स्ट। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है, एक सेकेंड पीक लगाया था, अगेन मार्केट नीचे आ रहा है,
तो ये मेरा हो गया सेकंड पीक, सेकंड हाई, ठीक है। अगेन नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, और उसने इस बार जो लगाया उसने एक थर्ड हाई, तीसरा हाई, ठीक है, तीन हाई लगा दिया। तो जो वेव एनालिसिस थे उसके थ्योरी के बेसिस पर ये कहा जाता है, अगर मार्केट ने तीन हाई लगा देता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों हाई जब लग जाते हैं, उस तीनों हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर थोड़े से एक पोज ले लेता है मार्केट, या तो मार्केट एक रेंज के अंदर घूमेगा, कंसोलिडेट करेगा, या तो मार्केट रिवर्सल लेगा। दो बात है ध्यान से सुनना, तीन हाई लगाने के बाद, बैक टू बैक तीन हाई लगाने के बाद मार्केट या तो यहां पर कुछ पोज क्ले करेगा, तो रेस्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, या तो मार्केट रिवर्स कर देगा। क्लियर? इसको बोलते हैं वेव एनालिसिस, उसको बोलते हैं वेव थ्योरी, वेव, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया था मैंने, या तो क्या कर सकता है वो थर्ड वेव लगाने के बाद, यहां पर वेव किसको बोलेंगे, वेव बोलेंगे इसको, ये देखिए पहला वेव है, ये हो जाएगा सेकंड वेव, और ये हो गया अपना थर्ड वेव। तो थर्ड वेव लगाने के बाद मार्केट या तो यहां पर कंसोलिडेट करेगा, या तो मार्केट यहां से घिरेगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि कंसोलिडेट करने के बाद दो चीज यहां पर है, दो कंडीशन है, या तो मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करेगा थर्ड वेव के बाद, या तो मार्केट यहां से रिवर्स कर लेगा। तो अगर ये कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेट के बाद मार्केट अपसाइड भी जा सकता है और डाउनसाइड भी आ सकता है, अगर कंसोलिडेट करता है तो। क्लियर? अगर कंसोलिडेट नहीं करता, वो हो सकता है कि कंसोलिडेट ना करके वो डायरेक्ट रिवर्सल ले ले, कोई दिक्कत नहीं, ले सकता है। तो थर्ड वेव के बाद दो पॉसिबिलिटी है, तो उसने कंसोलिडेट किया तो कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो फिर अपने कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो ये अपना रिवर्सल कर लेगा। क्लियर है? तो हमेशा थर्ड वेव के बाद थोड़ा सा कॉशियस रह जाना कि भाई मार्केट में एक कंसोलिडेशन आ सकता है, एक रेंज मार्केट में आ सकता है, या तो एक करेक्शन वगैरह डाउनसाइड के मूवमेंट आ सकते हैं। अब यहां पर जो है कंसोलिडेट करेगा या डाउनसाइड करेगा, ट्रेड हमने किस तरफ लेंगे, किस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, यहां पर आती है बात थ्रस्ट एनालिसिस की। अब यहां पर थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या है, तो आप देख लीजिए मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, वेरी गुड, फिर अगेन नीचे आया, जैसे आपको बताया था ये पहला पिक लगा, पिक नंबर वन, उसके बाद अगेन एक सेकंड पे गया, सेकंड हाई लगाया, उसके बाद अगेन नीचे आया, उसके बाद अगेन उसने एक हाई लगाया, जो इसको बोलते थर्ड पिक, थर्ड हाई, अगेन नीचे आया। तो अब यहां से ये जो हाई है, ये स्विंग हाई है, ये पहला स्विंग हाई, ये दूसरा स्विंग हाई, और ये तीसरा स्विंग हाई, ठीक है। ये जो स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग हाई तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। ये जो डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्विंग्स जो है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। सिमिलरली वन से और टू के जो पीक है, जो हाई है, इनके बीच में डिस्टेंस ये है, ये तो सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होंगे, ये होगा मेरा थ्रस्ट टू, और ये पहला वाला क्या हो जाएगा, मेरा थ्रस्ट वन। क्लियर? इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर हो है? किसी को डाउट है यस थ्रस्ट किसको बोलते हैं? ये जो पीक है, पीक के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। सिमिलरली अगेन मैं बना देता हूं यहां पे कुछ इस तरह, ये इस तरह हुआ है, ये तो मैंने बता दिया, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट सबको क्लियर है? ठीक आंसर है, ये थ्रस्ट है। अब क्लियर यहां से ये जो ऊपर गया है, यहां देखिए, यहां से जो नीचे करेक्शन दिया है, देख रहे हो करेक्शन दिया है,
ये जो करेक्शन की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ करेक्शन, डेप्थ ऑफ करेक्शन। जो करेक्शन दिया है या पुल बैक दिया है उसको पुल बैक भी बोलोगे आप। अगर पुल बैक बोलोगे तो डेप्थ ऑफ पुल बैक, डेप्थ ऑफ पुल बैक, ये जो डिस्टेंस है जहां तक उसने करेक्शन दिया है यहां से लेके यहां तक, ये डेप्थ ऑफ पुल बैक। इसके लिए हो जाएगा डेप्थ ऑफ पुल बैक वन, और उसके बाद अगेन ऊपर गया था, एक पीक लगाया था और उसके बाद एक करेक्शन दिया था यहां तक, तो ये जो डेप्थ ऑफ पुल बैक है ये हो जाएगा मेरा टू। किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर, तो नहीं सर, थ्रस्ट नहीं किसको सर, बोलते हैं, किसी को थ्रस्ट किसको बोलते हैं और डेप्थ ऑफ पुल बैक किसको बोलते हैं? क्लियर है? अब सवाल यहां पर आता है कि थ्रस्ट अगर सेम है, थ्रस्ट अगर दोनों में सेम है, इसके और इसके थ्रस्ट अगर सेम है यानी डिस्टेंस सेम है, तो मार्केट जो है एक चैनल के अंदर फ्लो करता है, एक पैरेलल के अंदर ट्रेड करता है, वो पैरेलल कुछ इस तरह, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये चैनल बोलते हो ना आप लोग, ये चैनल है मेरे और मार्केट इसके अंदर में वो ट्रेड करेगा। ठीक है, यानी उस चैनल को फॉलो करेगा वो। तो देखोगे आप थ्रस्ट जो है हर केस में सेम दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक चैनल के अंदर फ्लो कर रहा है मार्केट, एक बार अपर लेवल पर टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे लेवल पर टच करता है, एक ऊपर जाता है। आप जो ऊपर जब जा रहा है, ध्यान से सुनना, आप जो ऊपर जा रहा है आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट कहां तक जाएगा, हाई तक कहां तक? इस पॉइंट तक है ना। चल, क्यों यस आपने इसके क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर रहे हो कि उसके जो बार बार जो चैनल पर टच कर रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन यहां पर है। बट मुझे पता है थर्ड वेव लग चुका है, तो मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां तो जाने के बाद रिवर्सल या तो क्या करेगा वो, कंसोलिडेट पे आ जाएगा, कौन क्योंकि तीन वेव लग चुके हैं। टेस्ट करने से पूछा मैंने, यही तो दिमाग लगाते नहीं हो। तीन वेव लग चुके हैं तो क्या उप जाएगा वहां तक, तो क्या पता यहीं जाके वो करेक्शन कर दे। तो जो भी है, तो जैसे आपको बताया था कि अगर मान के चलो मार्केट के अंदर इस तरह पैरेलल मूवमेंट होती है, जैसे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रेड कर रहे हैं वो, पैरेलल ही चल रहे हैं वो, तो यानी थ्रस्ट दोनों केस में सेम है। बट अगर मान के चलो कुछ इस तरह दिखता है आपको, ऐसे गया, ऐसे गया, सेकंड बार ऐसे गया एंड थर्ड बार जो है इतना ही गया। अब थ्रस्ट यहां से यहां तक थ्रस्ट हो जाएगा अपना T1, और यहां से यहां तक थ्रस्ट हो जाएगा अपना T2। अब थ्रस्ट कम हुआ कि ज्यादा हुआ कि सेम है? तो कम हुआ है, कम जब थ्रस्ट कम होते हैं, जब थ्रस्ट कम होते हैं तो मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। जैसे आपको बताया कि तीन वेव के बाद या तो करेक्शन देता है या तो एक रिवर्सल देता है, तो करेक्शन का मतलब कंसोलिडेट करता है या तो रिवर्सल देता है। तो जब थर्ड चांस जब कम हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? यस सर, यस। और जब थ्रस्ट ज्यादा होता है तो देखोगे आप, यहां से यहां तक डिस्टेंस है थ्रस्ट T1, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है थ्रस्ट T2। तो थ्रस्ट ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी थोड़ी देर और जा सकते हैं ऊपर, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर? बट इसका यस मतलब ये नहीं कि मैंने यहां पर बाई करूं, मैं बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी है, थ्रस्ट ज्यादा है तो थोड़ा और जाएगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ है। थ्रस्ट अगर कम हो चुके हैं दैट मीन्स उसके जो फ्यूल है वो खत्म होने वाले हैं, अब रॉकेट फ्यूज हो जाएगा, काम खत्म, फूस हो जाएगा वो। तो इसका मतलब जो है इसके जो आप मूव है वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो ये चीज यहाँ पे लिखे हुए है, इन्हें अप ट्रेंड थ्रस्ट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन दी करंट स्विंग हाई टू द प्रीवियस स्विंग हाई, इन डाउन ट्रेंड थ्रस्ट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन दी करंट स्विंग लो एंड प्रीवियस स्विंग लो, इंक्रीज थ्रस्ट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल ट्रेंड स्ट्रेंथ एंड शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट इज द साइन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ट्रेंड वीकनेस। डाउन ट्रेंड के लिए हम कैसे बनाएंगे थ्रस्ट को, मैं थोड़ा यहां बना देता हूं, यह था मेरा अप साइड के लिए, यहां से यहां डिस्टेंस मेरा थ्रस्ट T2
T1 और यहां से डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस कौन सी मेरी, ये थ्रस्ट T2 है, क्लियर। हाँ सर, डाउन साइड के लिए क्या होगा, ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे आया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये डाउन साइड के लिए मैं किसको मेजर करूंगा, लो को सर, जो फर्स्ट के लो सर, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ सर, कैलकुलेशन मुझे ऐसे करनी है, नहीं सर बाहर वाले से करेंगे, बाहर वाले को जो हाई लगा वहां से। ये यस सर, यस सर, आप कंफ्यूज, अब दो अलग-अलग ग्रुप के, कोई बोल रहा है बाहर, कोई बोल रहा है इधर की तरफ, अब कंफ्यूज दूर करिए, आप सोचिए सर, फर्स्ट वाला सर, पीछे वाला सर, लोट लगता है सर, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला होगा सर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन सर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब बोलिए, फर्स्ट है सर, फर्स्ट, फर्स्ट सर, सेकंड, इन अ डाउन ट्रेंड थ्रस्ट रिफर्स द डिस्टेंस बिटवीन द करंट स्विंग लो टू प्रीवियस स्विंग लो, समझ में आया, यस, लो टू लो, फर्स्ट लो टू लो जो है उसको भी आप करते हैं उसको, ये मेरे थ्रस्ट, इसको हम नहीं लेंगे, ये बोला कैंसिल, क्लियर। डाउन ट्रेंड में जो लो टू लो है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, हाई को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में स्विंग हाई को कंसीडर कर रहा हूं मैं, और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो को कंसीडर करूंगा, क्लियर। क्लियर हो गए सारे, यस सर, यस सर, अप ट्रेंड है तो स्विंग हाई को कंसीडर कर रहा हूं, ये पीक लगा रहा है, और डाउन ट्रेंड है तो स्विंग लो को मैं कंसीडर करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा थ्रस्ट वन और ये मेरा हो जाएगा थ्रस्ट टू, क्लियर, यस सर। आप यहां पर देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड हो रहा है, थ्रस्ट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इसको एक पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल के, तो ये जो थ्रस्ट कम हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइस डाइवर्जेंस, ओके, इसको बोलते हैं प्राइस डाइवर्जेंस। अब कैसे होता है डाइवर्जेंस, मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि प्राइस जो है कुछ इस तरह मूव कर रहा है पैरेलली, है ना, एक वेव फॉर्म में चल रहा है, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहां से लाइन से ड्रॉ कर दिया आपने, और आपने एक यहां से कनेक्ट करके आपने एक और लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया आपने, दो पैरेलल लाइन, है ना, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, आपने कुछ नहीं किया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और देखा मैंने प्राइस जो है ऐसे टच करते जा रहा है और ऐसे टच करते हुए चल रहा है। अब देखिए थर्ड अभी तक आया नहीं, ऐसे आया है टच किया है, ऐसे आया है टच यहां पर किया है, करने के बाद यहां पर जाके वो ट्रेड कर रहा है इस जगह, यानी थर्ड वाला जो पीक है वो आया नहीं, सिर्फ मेरा वन लगा है और टू लगा है, और देखिए दोनों पैरेलल चल रहा है, यानी यहां पर टच किया, नीचे भी टच किया और यहां पर टच किया, फिर एक नीचे भी टच किया, और दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, पैरेलल समझते हो ना आप लोग, yes, वो पैरेलल है, इसका मतलब आप मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस कहां तक जाएगा, प्राइस यहां तक जाएगा और इसको टच करेगा और देन अगेन इसको नीचे आके यहां पर टच करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्लियर है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो जब लाइन पैरेलल चलती है, या आप इसको कह सकते हो कि दो पैरेलल लाइन कह सकते हो, या दो पैरेलल ट्रेंड लाइन कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो एक चैनल है, चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर ट्रेड कर रहा था तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहां पर टच करेगा, ऊपर जाके टच करेगा, फिर वहां से गिरेगा, ये तो आपके एक्सपेक्टेशन है, राइट, कुछ इस तरह एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, हाँ सर, यस सर। अब मान के चलो, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उसने इस तरह आपको फुलफिल नहीं किया, उसने यहां गया और यहीं से गिर गया, ध्यान से देखो, इसने यहां गया और यहीं से गिर गया, इस बार
इसको लगाना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर लगाना चाहिए था थर्ड पीक, इसे लगाया कहाँ, यहाँ पर, क्लियर। इसको लगाना चाहिए था यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसे लगाया क्या, यहाँ पर पीक लगाया, देख रहे हो, पीक लगा के क्या हुआ, गिर गया। लेकिन उसके ओरिजिनल कहाँ लगना चाहिए था, इस लेवल पर, ठीक है। किसी को डाउट है? नो सर। इसको लगना चाहिए था यहां पर, उसने पहले से घूम गया, नीचे आ गया। यानी ये वाला अगर लेवल मान के चलो मेरा 35,000 का है, तो 35,000 को टच करना चाहिए, उसने पहले से घूम गया। तो इसको बोलते हैं प्राइस डाइवर्जेंस। और हमने कैसे निकाला प्राइस डाइवर्जेंस, जब मैंने यहां से यहां तक देखा कि थ्रस्ट क्या है, टी वन है, और उसके बाद टू एंड थ्री पॉइंट, अब मेरा थ्री पॉइंट यहां नहीं है, अब मेरा थ्री पॉइंट यहां पर है, अब मैं थ्री पॉइंट पर लाऊंगा तो देखिए थ्रस्ट कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम सर, कम हो गया। तो थ्रस्ट जब कम होते हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, और इसका मतलब यह है कि इसके अंदर प्राइस का एक डाइवर्जेंस आ चुका है, प्राइस का एक डाइवर्जेंस आ चुका है, क्लियर। और प्राइस का डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस फॉल करेगा, जिस तरह वॉल्यूम के डाइवर्जेंस सुने होंगे, आरएसआई के डाइवर्जेंस सुने होंगे, इस तरह प्राइस का भी डाइवर्जेंस होता है, इसको बोलते हैं प्राइस डाइवर्जेंस। और वो किस लिए आया, थ्रस्ट कम हो गया था इसलिए वो डाइवर्जेंस आ गया। इस डाइवर्जेंस उसका प्राइस कैसे चलेगा, इस बार पिछले बार यहां तक गया था, इस बार यहां तक भी नहीं जाएगा, इसलिए इस बार जो है यहीं से घूम जाएगा, धीरे धीरे उसका थ्रस्ट कम होते जा रहे हैं। नो डाउट प्रीवियस हाई को, वो प्रीवियस जो हाई है, ये जो प्रीवियस उसके जो हाई है ना, देखोगे आप, ये पहला था, इसको भी क्रॉस करके सेकंड हाई बनाया, इसको भी क्रॉस करके थर्ड हाई बनाया, हाई तो क्रॉस करके जा रहा है, बट उसका जो डिस्टेंस है वो थ्रस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है। और इसके बेसिस पर जो पैटर्न बनाया जाता है उसको बोलते हैं वेज पैटर्न, उसको बोलते हैं वेज पैटर्न। कैसे बनते हैं, यहां पर देखना कुछ इस तरह बनाता हूं, प्राइस इस बार गया एक हाई, सेकेंड टाइम गया चलो इतना गया, अब हमने इमीडिएटली क्या किया, हमने इमीडिएटली यहां पर लाइन ड्रॉ कर ली, अरे भैया यहां इसने लाइन फॉलो कर देता है, बना लेता वैसे करके, आपने इमीडिएटली यहां पर क्या किया, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, चैनल ड्रॉ कर लिया, कर लिया ना आपने, आपका काम खत्म। आपने सोचा कि प्राइस यहां तक अगेन जो है प्राइस यहां पर टच करेगा और अगेन यहां तक जाएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ध्यान रखना अगेन यहां तक जाएगा आपकी एक्सपेक्टेशन है, बट हुआ क्या था, उसने यहीं से यहां जाके घूम गया, यहां जाके वो नीचे आ गया, देख रहे हो, अब फिर ऊपर जा रहा है, अब फिर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर थ्रस्ट चेक करने है तो मैं कैसे चेक करूंगा, यहां से यहां तक, देखिए मैं यहां बनाता हूं थोड़ा कलर चेंज करके, ये डिस्टेंस को देखिए, यहां से यहां डिस्टेंस को देखिए, और उसके बाद यहां से डिस्टेंस देखिए, थ्रस्ट कम हुआ कि ज्यादा बढ़ गया है, या सही में कम हुआ है, थ्रस्ट कौन सा है, ये मेरा T1 है और वो T2 है, और ये मेरे T2 है, कम हुआ है ना, यस सर, क्लियर है, थ्रस्ट तो कम हुआ है। और हमें कैसे पता चला, जो हमने चैनल बनाए थे और उस चैनल पे प्राइस नहीं आया, इसने यहीं से करके ऐसे करके यहीं से आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपने जो लाइन थी, ये वाली लाइन है, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके प्राइस को मैं ऐसे ले आऊंगा, देखो ओरिजिनल लाइन मेरी ये थी, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे ले आया, ले आया ना मैंने ऐसे करके, लाइन को तिरछी कर दी मैंने, तो ये जो तिरछी लाइन कर दी है इसको बोलते हैं वेज पैटर्न। यानी अब जो न्यू लाइन है मेरी कुछ इस तरह की लाइन है, यानी ऐसी ऐसे ओरिजिनल लाइन, और वैसे तो ऐसे होनी चाहिए, चैनल होनी चाहिए, बट चैनल नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ है ना, प्राइस ऐसे चल रहा है, नीचे बराबर है, नीचे टच कर रहा है, लेकिन उसको ऊपर की तरफ कहां जाना चाहिए था, उसको उसको जाना चाहिए था ऐसे, उसको कहां जाना चाहिए था, प्राइस को वहां तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, प्राइस को वहां तक जाना चाहिए था, नहीं गया,
गया क्या? उसने नहीं गया, उसने एवरी टाइम क्या हुआ, नीचे आ रहा है। उसको यहां तक जाना चाहिए था, यहां डिफरेंस देखिए इतना डिफरेंस आ गया ना, नहीं गया। सेकंड टाइम डिफरेंस क्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? अरे जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। कल के दिन में मत बोलना, कल के दिन में मत बोलना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक चीज को रिपीट करते करते थक गया हूं मैं। ये देखिए डिस्टेंस और ये देखिए डिस्टेंस, पहले बार इतना ही लॉस हुआ था, अभी ज्यादा लॉस हो रहा है, आने वाला टाइम पर और लॉस होगा। यानी प्राइस को ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी थी, बट प्राइस ने उत्तम ऊपर नहीं किया, उसने यहीं से घूम गया सेकंड टाइम और यहीं से घूम गया। यानी आप फॉलो कैसे कर रहा है, फॉलो आप इसको कर रहा है, ये वाली को, इस वाली को, है ना। तो इसको बोलते हैं थ्रस्ट डिक्रीज हो चुका है, प्राइस के डाइवर्जेंस आ चुके हैं, और उस डाइवर्जेंस और थ्रस्ट डिक्रीज होने के कारण जो भी पैटर्न यहां पर बन रहे हैं उसको बोलते हैं वेज पैटर्न, वेज पैटर्न बोलते हैं उसको, ठीक है। वेज पैटर्न का मतलब है प्राइस जो है अब नीचे की तरफ घूमेगा। तो आपको करना क्या है, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई वेज पैटर्न क्या है, मुझे करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप देखना है कि तीन थ्रस्ट को लगने दीजिए और आप चैनल को ड्रॉ करिए, या तो आप किसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए। तो मैं यहां पर, मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता, देखिए प्राइस यहां पर फॉल कर रहा है, मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि प्राइस यहां पर जो है एक बार लो लगाया था, उसके बाद सेकंड टाइम लो लगाया था, उसके बाद थर्ड टाइम लो लगाया था, उसके बाद जो है इस तरह लो लगा रहा था, है ना। देखो आप पहली बार ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, ये देखिए एक बार लो ये लगाया था ऊपर गया था, सेकंड टाइम लो लगाया था ऊपर गया था, उसके बाद थर्ड टाइम लो लगाया था उसके बाद ऊपर गया था। अब ये जो केस है ये अभी तक आया नहीं, ये टाइम अभी तक आया नहीं, बट मान के चलो प्राइस यहां तक आया था और यहां ऊपर जा रहा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। तो ये कुछ बना था, तो मैं यहां पर आकर थ्रस्ट की बात करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर थ्रस्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा सर। ये देखो एक लाइन, ये देखो एक लाइन हो रहा है सर, और ये देखिए दूसरी लाइन। देखो तीन लाइन में ड्रॉ कर दी मैंने, ध्यान से देखना आप, तीन लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तीनों लाइन को मिलाकर थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे कर दो। ये मेरा एक लो, यानी ये मेरा है हो गया एक स्विंग लो, ये ध्यान रखना, ये वाले ये हो गया एक स्विंग लो, ये हो गया दूसरे स्विंग लो, और ये हो गया तीसरे स्विंग लो। ये वाले अभी तक आया नहीं, इसके बारे में मत सोचिए, ये आया नहीं अभी तक, प्राइस इसको स्विंग लो लगा के ऊपर को जाके ट्रेड कर रहा है। तो आप मुझे क्या दिख रहा है, थ्रस्ट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, डिक्रीज। यस सर, हो रहा है। तो प्राइस डाइवर्जेंस है उसके अंदर, है? यस सर, तो मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, कुछ नहीं करना है अपनों को, अपनों को सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और देखता हूं मैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं अपने को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब मैंने इसको यहां पर देखिए, ध्यान से देखना, इसको डालता हूँ यहां, देखना इसको यहां पर क्लिक करेंगे, ये देखो ट्रेंड लाइन पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और क्लोन आ रहा है, जो जीरोधा करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्लोन ड्रॉइंग आ रहा है, क्लोन ड्रॉइंग ले लिया और हमने यहां पर जाके उसको टच करा दिया, इसको टच करा दिया जो अपने पहले वाले को, थोड़ा सा उसको करके ऐसे, जो पहले वाला है उसको हम टच करा दिया। आप यहां पर देखिए प्राइस को कैसे फॉलो करना चाहिए था, प्राइस को ऐसे आया, टच किया, ऊपर गया, थर्ड टाइम उसको यहां पर टच करना चाहिए था ना? बराबर। यस सर। क्या था, क्या उसने नहीं किया मुझसे, जबकि उसने अपसाइड में टच कर रहा था, यहां पर अपसाइड में टच कर रहा था, लेकिन इसके लोअर साइड में टच कर रहा था, प्राइस को तो ऐसे आना चाहिए था, पैरेलल चलना चाहिए था ऐसे, जब अपसाइड में टच कर रहा है तो लोअर साइड में टच करना चाहिए, अगेन अपसाइड में टच करना चाहिए तो लोअर साइड में टच करना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए ना उसको, तो कर नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है, डाइवर्जेंस हो रहा है, जितना ऊपर जा रहा है, जहां से रिजेक्शन ले रहा था, बट अब सपोर्ट क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट जो है सपोर्ट यहां तक है उसके, सपोर्ट यहां तक है, बट सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, अब सपोर्ट पहले से ले रहा है, ये टच नहीं किया, सपोर्ट देखिए पहले से ले रहा है। तो अब यहां पर देखिए इस केस में सपोर्ट ये रह गया, इस केस में सपोर्ट यहां तक है, तो प्राइस को सपोर्ट तो आया नहीं, कितना रह गया था पॉइंट, कितना पॉइंट से रह गया था, इतना पॉइंट से रह गया ना? यस सर, बराबर सर। यस सर। और सेकंड टाइम कितना पॉइंट से रह गया सपोर्ट तो आने का, इतना ज्यादा, देख रहे हो
इसको बोलते हैं प्राइस डेविएशन। प्राइस यहां से डेविएट कर रहा है, या आप कह सकते हो प्राइस का डाइवर्जेंस हो रहा है, क्योंकि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां तो समझ में आ चुका है कि भाई प्राइस का डाइवर्जेंस है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, थोड़ा छोटे करेंगे उसको, उसको हटाएंगे और अपने जो इस लाइन को है ना इस तरह, ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, देख रहे हो, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, करके हमने उसको मॉडिफाई किया, कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। अब जो मॉडिफाई किया तो कुछ इस तरह बन रहा है, ये पैरेलल लाइन नहीं थी वो, अब पैरेलल लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन तो ये थी, ये देखो इसको मैं क्लोन करूंगा तो ये मेरी पैरेलल लाइन होनी चाहिए थी, देखो कितना डाइवर्जेंस हुआ है, देखो ये लाइन थी असली लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन होनी चाहिए थी ओरिजिनल लाइन, पैरेलल लाइन, बट देखिए डाइवर्जेंस कितना हुआ, इतना सारा ऊपर चला गया, देख रहे हो, दिख रहा है ना ये, प्राइस का डाइवर्जेंस हुआ। तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं वेज पैटर्न, और ये जिससे ये आपको इंडिकेट करता है कि मैं अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे अंदर प्राइस के डाइवर्जेंस आ चुके हैं, मेरे अंदर थ्रस्ट एनालिसिस का थ्रस्ट कम हो चुका है, एक प्राइस का डाइवर्जेंस आ चुका है, अब जो है मैं अपसाइड जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। और यहाँ पे क्या करेगा वो देखिए, उसके बाद जाके ऊपर गया और बिल्कुल यहाँ पे आके उसने बेस बनाया, ये देखो बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद उसको ब्रेक किया, ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, इसको भूल जाओ क्योंकि प्राइस वहां पर ट्रेड कर रहा था, तो वहां पर ट्रेड कर रहा था, अब मैं वेट करूंगा, प्राइस यहाँ पे आया था और एक देखिए बेस बनाया, डब्ल्यू पैटर्न के कुछ बनाया था, इसको लेके एक बेस बनाया था, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्टिंग किया, फिर उसने मूवमेंट दिया, और उसने वन साइडेड मूवमेंट देता है। फिर को थ्रस्ट बनाने से जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो समझ लेना कि वहां पर एक रिवर्सल के चांसेस है, तो ट्रेड आप उस बेसिस पर ले सकते हो। ये चीज आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ढूंढना है कि थ्रस्ट कहाँ पे कम हो रहा है, ये मुझे चीज आपको ढूंढनी है, और ये ढूंढने के बाद आपको फिर काम पे आपको लग जाना है। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, और इसको आप मोमेंटम एनालिसिस करोगे तब भी आप बात वही है, मोमेंटम कम हो रहा है, देखिए यहां पर बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो देखिए कितने वेव है, जैसे आपको बताया था कि 3 वेव 1 वेव, देखो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये चार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक मिनट, ये वाला पोर्शन में इसको थोड़ा लेके आता हूं, यहां पर छोटे छोटे दिख रहे हैं कि थोड़ा बड़े दिख रहे होंगे, थोड़ा जूम करता हूं, ध्यान से देखना, प्राइस पहले नीचे आ रहा था ना ऐसे करके, ये देखिए उसने यहां से लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, तो लो को ब्रेक करने के बाद एक हाई लगाया था ये, फिर सेकंड हाई लगाया था ये, उसको थर्ड हाई लगाया था ये, और उसके बाद जो है मार्केट एक रिवर्सल ले लिया, तो 3 हाई लगाने के बाद नीचे गिर गया, या हो सकता है कि 3 हाई लगाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड जाएगा, बट वो बेसिकली 3 हाई लगाता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये कि मैं यहाँ से हाई यहाँ से पकड़ूंगा या मैं यहाँ से हाई को पकड़ूंगा, ये क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको 1 पकड़ूंगा 2 पकड़ूंगा 3 पकड़ूंगा, तो ये 4 हो रहा है, क्या मैं इसको 1 पकड़ूंगा? नहीं, इसको 1 आपको नहीं पकड़ना है, आपको 1 पकड़ना है यहाँ से, क्यों? क्योंकि होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, देखिए मार्केट ऐसे गिर रहा है, डाउन साइड में है, यहां से उसने ये जो प्रीवियस जो एमएज था, जिसको आप लोअर हाई बोलते हो, एमएज बोलते हो, इसका जब वो ब्रेकआउट दे देगा, इसका मतलब अब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, तो ब्रेकआउट देने के बाद कि जो आपने पोजीशन होगा उस पोजीशन को मैं यहां पर 1 2 3 मार्क करूंगा, ब्रेकआउट दे दिया ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन में जो ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन में यहां से ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड में इसको मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, ट्रेंड लाइन करूंगा जब जिसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है वो मेरे ट्रेंड लाइन के इनिशियल पॉइंट होंगे, तो मैं को पॉइंट भी वहीं से पकड़ूंगा 1 2 3। तो यहां पर आप देखोगे कि ब्रेकआउट जो है यहां पर बेस तो बनाया था उसने, ठीक है, हाई लो को ब्रेक करना बंद कर दिया था, बट ब्रेकआउट फाइनली दे दिया, तो मैं यहां से 1 2 और 3 पकड़ूंगा। तो ये तो हो गया अपने वेव एनालिसिस के बेसिस पर। अब मैं यहां पर अगर थ्रस्ट एनालिसिस लगाता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर अगर थ्रस्ट एनालिसिस लगाता हूं, दो जगह लगा सकते हो, एक तो आप यहां लगाइए, आप मैं थोड़ा उसको मार्क कर लेता हूं,
टेन लाइन लेकर, एक तो आप यहां लगा सकते हो आप, चलो मैं लगा देता हूं यहां पर, ठीक है, और उसको मैं क्लोन किया, कुछ नहीं किया मैं, क्लोन किया, ध्यान रखना, एक तो मैं यहां लगा दिया, तीन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, बना दिया, और उसको मैं जस्ट टच करके मैं इसको क्लोन करूंगा और उसको जस्ट मैं यहां तक ले जाऊंगा, ये ध्यान रखना, ये लेके ले जा रहा हूं ना मैं, कुछ किया था क्या मैंने, यहां ले जाओ या वहां ले जाओ, कहीं पे ले जाओ, चलो मैं यहां पे ले आया, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, प्राइस क्या, प्राइस क्या, प्राइस चैनल को फॉलो कर रहा है, क्या प्राइस पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चलता है तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था, उसने पहले से रिजेक्ट मार दिया, उसको इस बार यहां जाना चाहिए था, उसने पहले से रिजेक्ट मार दिया, दैट मींस प्राइस इस चैनल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखो ऐसे कर कर पकड़ के उसको, एक मिनट, मैं अभी क्या करूंगा, इस चैनल को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखो कुछ नहीं किया, ऐसे करके रख दिया, ठीक है, ये देखो है ना, तो ये बन गया मेरे वेज। यहां पर थ्रस्ट एनालिसिस में चेक करूंगा तो मैं थ्रस्ट एनालिसिस भी चेक कर सकता हूँ, थ्रस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देख सकता हूँ, मैं देखूंगा ये वाला पीक और ये वाला पीक और ये वाला पीक, तो आप देखोगे थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बड़ा नहीं है, डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका मतलब है थ्रस्ट भी कम है, या तो ठीक है एवरेज मान के चल रहा हो, बराबर मान के चल रहा हो, बट यहां पर जो है वेज फॉर्मेशन हुआ है, अब उसके ब्रेकडाउन देगा, टेस्टिंग करेगा, मैं यहां पर एंट्री लूंगा। एक तो मैंने आपको बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम में जब हमने यहां से काउंट किया था, यहां से आप यहां से काउंट अगर नहीं करना, आप चाहते हो कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में यहां से काउंट करूंगा, तो आपको यहां से भी काउंट करके दिखाता हूं, अगर छोटा टाइम फ्रेम ले जाता हूं और मैं बिल्कुल यहां पर काउंट करके दिखाऊंगा आपको, यहां पर भी आप काउंट करते हो, तो अगर आप इसको भी थ्री वेव मानते हो उस दिन के, उस दिन के कि कौन से दिन, 2 फरवरी के दिन के अगर थ्री वेव मानते हो, ये देखिए 1 वेव लगा, 2 वेव लगा और ये 3 वेव लगा, ठीक है, वेव के बेसिस में हो गया। अब मैं यहां पर लाइन को ड्रॉ करता हूं, पैरेलल लाइन, चाहे यहां से करो, चलो मैं यहां से कर लेता हूं, कहां से कर ज्वाइन करना है, यहां से कर लेता हूं। कुछ लोगों को डाउट है कि मैं विक्स को पकड़ूंगा कि बॉडी को पकड़ूंगा, तो उनको लिए कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करोगे आप, डिस्प्ले में जाओगे और अपने लाइन डायग्राम सिलेक्ट कर दो, और करने के बाद जो है आपने इस तरह के लाइन को टच करा के लाइन ड्रॉ कर लेना कुछ इस तरह, और कुछ नहीं करना, तो आपको पता चलेगा ये जो है ये फेक ब्रेकडाउन था ये वाला, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट को आपको टच करने हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, तो बस हो गया अपना काम, अब आपके लाइन को छोड़ के आप अपने कनेक्ट पे आ जाइए, तो आपको दिखेगा लाइन कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट है, अब उसको मैं क्लोन करूंगा और कुछ नहीं किया मैं यहां तक लेके गया, अगेन देखो फिर वही बात है, यहां पे तो थोड़ी बहुत तो है, टच किया पहली बार, मोटी लाइन मोटी कर देता हूं, पहली बार टच किया था वेरी गुड, नीचे भी आया था, सेकंड बार टच किया था वेरी गुड, नीचे आया था, थर्ड टच यहां पे करना चाहिए था, उसे कंट किया नहीं, यहीं से घूम गया, तो अगेन अब वो ब्रेक डाउन देगा, टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग करने के बाद जो है अपन शॉट मारेंगे, तो ये है। अब उसको वेज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसी पॉइंट को पकड़ के मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लूंगा इस तरह के, बन गया अपना वेज, क्लियर। तो थ्रस्ट एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि मार्केट जो है एक नीचे गिरने के वाला है, एक नीचे की तरफ आएगा, उसके बेसिस पर मैं ट्रेड लूंगा, और ये चीज आपके डाउन साइड के लिए भी एप्लीकेबल है, अपसाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि भैया इस तरह थ्रस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक लाइन आपको यहां ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ, उसके क्लोन करके आपने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, आपको दिख जाएगा थ्रस्ट कम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद जो है उसको एडजस्ट करके जो भी आपके लेवल बनेगा कुछ इस तरह आपको बनेगा एडजस्ट करके, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पर वेज बन चुके हैं, तो इसका मतलब आप ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर ट्रेड वगैरह ले सकता हूँ। तो डाउन ट्रेंड में कैसे दिखना है आपको, डाउन ट्रेंड में आएगा तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था प्राइस कुछ इस तरह, अब देखो थ्रस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ, अब ध्यान से देखो यहां से यहां तक एक थ्रस्ट है और यहां से यहां तक दूसरे थ्रस्ट है, कम हुआ है,
फास्ट कम होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इस तरह एक बनाना है लाइन, और बाकी जो ऊपर की तरफ तो ऐसे रहेगा ही, तो ये वेज की तरह बन गया है। अब ब्रेकआउट देगा, मैं ट्रेड लूंगा, मैं इसलिए ले लूंगा। क्लियर? Yes, sir. और किसी भी टाइम फ्रेम में ये मिलते हैं। थ्रस्ट जहां पे कम होते हैं, मैं आपको 5 मिनट करके भी दिखाता हूं, थ्रस्ट जहां पे कम होंगे तो उसका मतलब ये वहां पर मामला गड़बड़ है। ये देखना, मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको मैं वो ले लेता हूं, क्लोन क्लोन लेकर गया ये। अब आपको क्या दिख रहा है, यानी कैसे हो रहा है फॉर्मेशन? ये हो रहा है ऐसे, ऐसे हो रहा है ना? फास्ट हो गया, ये फास्ट कम हुआ है। अब कम हुआ है तो ब्रेकडाउन का वेट करिए, ब्रेकडाउन खो देगा। अब देखो यहां पर क्या है, ब्रेकडाउन दिया तो टेस्ट तो किया नहीं, टेस्ट उसने करने गया उस दिन और फिर वहीं से गिरा। ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट किया, गिरा। तो इस तरह क्या है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप थ्रस्ट एनालिसिस कर सकते हो, डाउन साइड में भी कर सकते हो, अप साइड में कर सकते हो। डाउन साइड में दिखेगा तो एक आपको आप मूव की तरह दिखने का आपको दिखेगा, ये देखिए यह थ्रस्ट तो ये है नहीं यहाँ पर, आप सर डाउन साइड का दिखा तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस बार अपन आप साइड का देखते हैं, 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 कहाँ गया ये, एक मिनट छोटा कर देता उसको। यहां पर भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं क्या करूंगा इसको एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद देखिए अब ब्रेकडाउन हुआ नहीं, फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन हुआ नहीं, ट्रेड यहां कहीं कर रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद तो काम खत्म, एंट्री तो होगी, ट्रेड यहां पर कर रहा है और उसको उठा के मैं यहां पर ले लूंगा, तो आपको क्लियर दिखेगा कि प्राइस ने यहां पर डाइवर्जेंस है, प्राइस ने यहाँ पर डाइवर्जेंस, ये देखिए ब्रेकडाउन मान के चलो हुआ नहीं, प्राइस ने यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है और उसके बाद नीचे आने लग गया। ध्यान से सुनो, नीचे आने लग गया, इमीडिएटली लाइन ड्रॉ करूंगा, क्लोन करूंगा, मैं देखूंगा कि प्राइस डाइवर्जेंस है, इसका मतलब प्राइस ने ऐसे फॉर्मेशन बना दिया इस तरह, इसका मतलब थ्रस्ट है, कम हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा और ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर आएगा टेस्ट करने, ये जो अपने लेवल है इसको टेस्ट करने आएगा, वहां पर शॉर्ट मारूंगा, मैं बाई नहीं करूंगा। क्लियर? क्योंकि थ्रस्ट कम हो रहा है, थ्रस्ट जब भी कम होते हैं, और ये तो अप साइड के दिखाया था, डाउन साइड के भी आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं वेज पैटर्न ब्रेकआउट। यहां पर भी देखिए आपके सामने ही दिख रहा है, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, चलिए लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं पॉइंट को ले लेता हूं कुछ इस तरह के, ये सॉरी इसको नहीं, पहले तो आपको अपसेट करना पड़ेगा, एक मिनट, इसे क्या हो गया, अरे यार ये नाटक करता है, अब करता हूं, ठीक है ये, ठीक है किया आपने ज्वाइन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैं आप क्या करूंगा, इसको क्लोन करूंगा, देखो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है, तीन पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और क्लोन ड्रॉइंग करूंगा, उसको मैं उठा के लेके आऊंगा और देखिए लोअर पॉइंट पे मैंने मार्क कर दिया, क्या दिख रहा है आपको, थ्रस्ट कम हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस डाइवर्जेंस है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह, कि थोड़ा सही दिखना चाहिए ऐसे, ये देखो बन रहा है वो बीच, ये तो सेकंड टाइम तो और भी नहीं आया, सेकंड टाइम में क्या हुआ था और कम हो गया, कितना कम हुआ है देखो आप, सेकंड टाइम में जो बात कर रहा था ये देख कितना कम हुआ है, देख रहे हो, बार बार वो क्या सपोर्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है,
और फाइनली यहाँ पर बेस बनाया। यहाँ पर देखिए फाइनली जो है उसने क्या किया था, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट बनाया था, बेस बनाता है और बेस बनाने के बाद जब ब्रेकआउट देगा और उसके बाद जब टेस्ट करेगा उसके बाद मार्केट भागेगा। तो थ्रस्ट के बाद क्या करता है, बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वो बेस बनाता है बिफोर ब्रेकआउट, या कोई भी ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तब उसको स्टडी करेंगे, जब ट्रेंड लाइन बनते हैं या थ्रस्ट वगैरह बनते हैं या कोई पैटर्न बनता है उस केस में ब्रेकआउट से पहले अगर वो डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, यहां पर एक बेस बना देता है डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद ब्रेकआउट देता है क्योंकि उससे बेस बना चुका था, ब्रेकआउट से पहले बेस बना चुका था एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह, इस तरह बेस बना चुका था। अब वो ब्रेकआउट देगा और टेस्टिंग करेगा तो उसके बाद अच्छे मूवमेंट आएंगे। क्लियर? तो ये है थ्रस्ट एनालिसिस। सिमिलरली ध्यान से सुनना, ये तो हो गया थ्रस्ट एनालिसिस। थ्रस्ट अगर कम होंगे दैट मीन्स मार्केट में रिवर्सल आ जाएंगे। सिमिलरली मैं अगर बात करता हूं यहां पर डेप्थ ऑफ पुलबैक, डेप्थ ऑफ पुलबैक अगर कम होगा तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, डेप्थ ऑफ पुलबैक अगर ज्यादा होंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस है। तो देखिए थ्रस्ट आपको दिखा दिया, ये देखिए डिस्टेंस T1 दैट मीन्स थ्रस्ट 1, T2 थ्रस्ट 2, T3 थ्रस्ट 3, थ्रस्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स उसके अंदर स्ट्रेंथ है। थ्रस्ट यहाँ पे कम हो रहा है, पहले थ्रस्ट T1 फिर T2 फिर T3 थ्रस्ट कम हो रहा है, अब वो एक रिवर्सल के चांसेस है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेम वही चीज है, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा इधर की तरफ, क्लोन लेके मैं यहाँ पर ड्रॉन करूंगा, देख दूंगा, दिख जाएगा मुझे कहाँ पर क्या पैराल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसके बेसिस पर हमने काम करेंगे। डेप्थ ऑफ पुलबैक क्या बताया था, डिस्टेंस विथ विच द प्राइस रिट्रेस प्रीवियस, जो आपको बताया था ये होता है प्राइस ऊपर गया था नीचे आया था, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं डेप्थ ऑफ पुलबैक। डेप्थ ऑफ पुलबैक अगर मान के चलो इंक्रीज इन डेप्थ जो है वो साइन ऑफ पोटेंशियल वीकनेस है, डिक्रीज इन डेप्थ इसका मतलब पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। दैट मीन्स ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये जितने कम होंगे वो आपके लिए अच्छी बात है, उसके आपके मोमेंटम अच्छे होंगे। यहां पर देखिए क्या हुआ, पहला डेप्थ क्या था ज्यादा थे, इस बार डेप्थ क्या है कम हो गया, इसका मतलब अच्छे साइन है, गुड साइन है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगेन देखिए कम हुआ यानी अभी भी स्ट्रेंथ है। जब देखोगे आप कि पहले डेप्थ ऑफ इतना था उसके बाद डेप्थ ऑफ इतना हो गया उसके बाद डेप्थ ऑफ इतना हो गया, अब यहां पर डेप्थ बढ़ गया ना, पहले इतना था अब उसके बाद यह हो गया, डेप्थ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। तो इसका मतलब है साइन ऑफ वीकनेस है। क्लियर? सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, डेप्थ ऑफ पुलबैक और थ्रस्ट एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ है कि नहीं, अगर वीक है तो हम रिवर्सल की तरफ जाएंगे, अगर स्ट्रेंथ है तो हमने उसको पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। नॉर्मल केस में क्या होता है, डेप्थ ऑफ की जो बात कर रहा था मैं, डेप्थ ऑफ में होता क्या है, मैक्सिमम टाइम जो फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट है यहां से अगर स्टार्ट होता है मार्केट और एक ऊपर गया था और उसके बाद एक हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो लो से है जहां से हाई लगाया था यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के 50%, उस डिस्टेंस के 50%, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया, ये 50% का एरिया है, जो भी हाई लगाया था उस हाई के जो 50% है वहां तक प्राइस रिट्रेसमेंट करता है। जनरल केस में, नॉर्मल केस में यहां तक रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है, ये जनरल केस में होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, ये नॉर्मल है 50% करता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपको बताया था डेप्थ ऑफ कम होता है, फॉर एग्जाम्पल इसने 50% नहीं, उसने क्या किया था, यहीं से रिट्रेस करके चला गया, 50% पे आना चाहिए था, उसने आया नहीं, इस बार डेप्थ क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसका मतलब साइन अच्छे है, गुड साइन है, पॉजिटिव साइन है, 50% तो उसको आना है, वो नॉर्मल है, बट 50% से ऊपर निकल जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है। कितना ऊपर कहां से जाएगा, हो सकता है कि 38.8 से वो निकल जाए, वो अच्छी बात है, वो स्ट्रेंथ उसके अंदर है, 50% जनरल है। कभी कभार क्या होता है 50% से नीचे भी आता है
60% तक आता है, दैट मीन्स आप क्या मैं बोलूंगा डेप्थ यहां से यहां तक हो गया, डेप्थ ज्यादा है। ज्यादा डेप्थ का मतलब है कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, यानी आप साइड जाने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। क्लियर? तो आप में आता हो रिजेक्शन टाइप में, रिजेक्शन टाइप में जो आपने विक्स थ्योरी पढ़े थे, ध्यान होगा आपको विक्स थ्योरी, उसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है रिजेक्शन टाइप में। अगर आपको आप ट्रेंड में क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है किसी रेजिस्टेंस से, इन द फॉर्म ऑफ पिन बार बन रहा है, आउटसाइड बार बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है, या कोई थ्रस्ट बन रहा है। थ्रस्ट का मतलब, अरे ये ध्यान सुनना, ये मैं थ्रस्ट अभी अभी जो थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं स्प्रिंग के अपोजिट बोल रहा हूँ मैं, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। अभी थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट की पावर कट हो गया क्या, क्या हो गया, लाइन गई क्या? अरे यार होल्ड कीजिए एक मिनट। तो अभी जो मैं थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना किस थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ, जो स्प्रिंग का जो उल्टा है। आप पहले थ्रस्ट की जो बात कर रहा था मैंने वो बता रहा था ना आप लोगों को, है ना, हेमर की बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा उल्टा है थ्रस्ट का। अभी इसको वो मत सोचिए कि अभी जो एग्जाम्पल दिया था आपको थ्रस्ट का, जो डेफिनेशन दिया था, उस थ्रस्ट के आप मत चक्कर में जाइए, मत जाइए। अभी जो थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ वो मैं उल्टा कह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि एक जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास या रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर थोड़े से हो सकता है, आपको किसी अप ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस के पास आपको अगर मान के चलो कोई पिन बार मिलता है, आउटसाइड कैंडल बनती है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको देखने को मिलते हैं, या आपको थ्रस्ट देखने को मिलती है, दैट मीन्स ये आपके एक साइन ऑफ रिजेक्शन की तरफ है। ये तो हो चुका है क्लियर। सिमिलरली सपोर्ट के पास अगर आपको कुछ पिन बार वगैरह दिखते हैं, हेमर कैंडल आपको दिख जाते हैं, पिन बार बन गया, हेमर बन गया है, स्क्रीन ऑफ, सॉरी सर स्क्रीन ऑफ हो गया, रुक जाइए, मैंने क्या बोला था, अभी पावर की प्रॉब्लम है, दोबारा उसको मैं वो कर रहा हूँ। हेमंत जी आपको म्यूट पॉज करना है, पॉज कर लेना आप, टाइम खराब नहीं होगा। हेमंत जी पॉज कर देना उसको एक बार, हेमंत जी है कि नहीं है, तो है मुझे पता है तो है, लेकिन वो क्या ऑन करके चले जाते। तो चलिए मैं यही ऑन कर लेता हूँ, आज का सेशन कंप्लीट कर देते हैं, चलो बंद करिए सेशन, कल देखेंगे जो भी होगा, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, अब हेमंत जी भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।